एवरीवन, आज मैं थोड़ा कच्चे थोड़ा पके टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर के पीस इस तरह काट लेना है और 2 प्याज है, प्याज के पीस भी इस तरह काट लेना है। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख देना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा जीरा और थोड़ा मेथी दाना रख देना है और 2 तेज़पत्ता भी रख देना है। इसे और अच्छे से पकने देना है। ये पक गया है और इसमें टमाटर और प्याज रख देना है और इसे फ्राई करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ढककर थोड़ी देर तक पकने देना। ये देखिए टमाटर और प्याज के पीसे थोड़ा नरम हो गए हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देना है और मसाला को थोड़ी देर तक पकने देना है। ये मसाला थोड़ा पक गया है, अब इसे इसी तरह भूनना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छे से भुना गया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे थोड़ी देर तक पकने देना है। थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए टमाटर प्याज की सब्जी बनकर रेडी है। इसमें थोड़ा पानी है, इसे कुछ देर ड्राई होने देना है। ये देखिए टमाटर प्याज की सब्जी बनकर रेडी है। इसे मैं सर्व की हूँ। इसे आप पराठा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बनाएं और खाएं।